तो यहाँ पे मैंने अपना हाईएस्ट किल रिकॉर्ड तो तोड़ दिया, लेकिन आखिरी वाला बंदा मुझे अपनी देनी नहीं चाह रहा है। तो भाई लोग कैसे यार, स्वागत है आपका एक और नए बीजीएमआई के गेम प्ले वीडियो में। और आखिरकार भाई कम से कम 5-6 बार यहाँ पे 30 किल करते करते तुम्हारा भाई पिट जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कर देता हूँ 32 किल। और सुनो तो वो भी 16वीं स्क्वाड में भाई, खाओ मां कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई यार, खैर टेंशन मत लो, आगे पूरा तुम्हारा ये जो तुम्हें मजाक लग रहा है ना सब हकीकत में मैं बदल दूंगा। तो ये था 16वीं स्क्वाड, तो मैंने कहा यार थोड़ा ऑल पे माइक करके देख लें, शांति ज्यादा हो रही है। खैर अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट घुस जाते हैं भाई वीडियो में। वैसे भी किल बहुत है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन तुम्हें पहले ही बता दूं जो एक एक दो दो किल है ना ये नॉर्मल, ये सब नहीं दिखाऊंगा तुम्हें, मैं एकदम बेहतरीन फाइट दिखाऊंगा। अभी रुको, सामने ऊपर एक बंदा, अरे भाई फोन थोड़ा कम हिलाओ, इधर से उधर कर पड़ा भाई, तब से पिछले घंटे से देख रहा हूँ इसे, और मैंने अपनी चील की निगाह से ये भी देखा था शायद दूसरा कोई बंदा था अंदर, पर कोई पता लगता नहीं है अभी तो। और ये पता नहीं मच्छी कौन दौड़ा रहा है, तेल दी गोला बना दिया भाई मच्छी को। कह रहे भैया अत्याचारी को मिलता हूँ सामने भाई, किसी को पेल के आराम से मस्ती से भाई लूट रहे हैं। इसको अभी फिनिश किया मैंने, वहाँ पे निकलता हूँ मैं इधर से, आगे एक आध किल चुराने की कोशिश की, लेकिन भाई पोटली में गोली नहीं बची मेरे। और मुझे नहीं पता ये भैया कौन से नशे में खेल रहे हैं, मतलब तुम देख रहे हो मैंने सोचा ये एकदम यहीं बैठा होगा कोने पे नीर पे एकदम बैठा होगा, भाई मैंने मौली डाली ये आराम से चुप पड़ रहा है, हेल्थ किट लगा रहा है एकदम सीने में। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। अब भाई सारी अपनी कैजुअलिटी दिखाएं प्लेन के अंदर, यहाँ पे नहीं। यार ये बंदा नोक नहीं पड़ा था गाइस, तुमने देखा होगा ध्यान से, ये नोक पड़ा था जिंदा कैसे हो गया मुंह पे। अब दिक्कत की बात ये थी यहाँ पे थे 2-3 बंदे, अब मैं एकदम कुत्तों की तरह घुस नहीं सकता, औकात में खेलना पड़ेगा भाई 16वीं स्क्वाड जो है। ये लो भाई कुछ हो ना हो ये पीछे से मारने वाले ना, हर समय इनकी उंगली रहती है कि पीछे से फेल दो, बताओ उतनी दूर से ऊपर से फेल रहा है, इसको कोई मारने वाला पैदा नहीं है। अभी रुको, ये मेरे को शक्ल नहीं खाता वरना भाई इसका थोबड़ा बिगाड़ देता मैं मजाक से हटके, मतलब अच्छा खासा मैच जा रहा है, पीछे उंगली कर रही है, उंगली भी नहीं डंडा पूरा। और बस गाइस ये वाला नाम याद रख लो जाट तनिष्क, इस वाले बंदे से इतनी बार मेरी लड़ाई होगी ना, और बार बार भाई सिर्फ हगेंगे अभी देखना तुम आगे। तो पहले तो मैं आगे धुआं फेंकता हूँ ठीक है ना, वाह बेटा मतलब मेहनत करूं मैं फल खाओ तुम है, स्मोक इधर हराम का इसके लिए डल रहा है जिससे ये ट्राइडेंट बुला ले। अरे बेटा इतना आसान थोड़ी ना ये घुसता भी ना, तो मैं अपनी हैकर वाली शक्तियां दिखा देता फिर स्मोक के अंदर। खैर अब ट्राइडेंट वगैरह बुला के मैं मस्त घूम रहा होता हूँ पानी के अंदर, लेकिन उतने में एक अमेजोन सांप का जंगल मिलता है। कुछ भी, अरे भाई एक तो आगे पीछे कर करके ना जवान भी उल्टी सीधी हो गई है। अब ये देखो सामने अमेजोन जंगल का सांप सो रहा है, क्या दिखाऊं भाई इसके लिए ये बंदा, अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं फुकरान प्लीज। बेटा क्या शॉर्ट डालने चलेगा यूट्यूब का, पता नहीं क्या सीन था अभी, तो यहाँ पे सीन देखो कितना कर्रा वाला होने वाला है एक। तो भाई सीन ऐसा था मेरे ऊपर कुछ बंदे मछली दौड़ा रहे हैं ठीक है, तो मैंने कहा इधर नीचे आराम से बैठता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बंदा रश करेगा तो देख लेंगे, पहले मैं पानी की शीशी डालता हूँ, अभी यहाँ पे आके मेरे को डैमेज दे दिया, मतलब क्या लगा होगा लौंडे को कि भाई तक कुत्तों की तरह मैंने इसको डैमेज दिया और इसने पलट के पिला। अरे रिफ्लेक्स है ना भाई, 16वीं स्क्वाड में असली रिफ्लेक्स बढ़िया होते हैं। मतलब भाई कितना भी कुछ कर लो ये हार्ट अटैक देने वाले बंदे ना आ ही जाते हैं, मतलब तब से मैं इवेंट खेल रहा हूँ इतने दिन हो गए मेरे को ये नहीं पता उस छेद से भी कोई आ सकता है। अरे जो फाड़ी है ना इसने भाई एमजी के लिए तो क्या ही बोले, एमजी ने बचाया यहाँ पे, नहीं नहीं मेरे रिफ्लेक्स ने गलत बोल दिया। खैर पानी वाली जगह सही में पानी में अब दिल हो गई थी तो मैं निकल लेता हूँ भाई वहाँ से,
अब मैं जाता हूँ इधर पूछूंगी की साइड, अभी नीले वाले घर में कोई बैठा है और इसका नाम पढ़ लेना बस तुम एक बार, चौको तो दूंगा ही मैं। ठीक है गाइस, अभी नो हेट, कोई ऐसी हेट देने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार भाई ने पिट लिया, मतलब दूसरी बार पिट चुका है ये, रिकॉल होके, लेकिन ये तीसरी बार आएगा ना जब, तब मैं भर भर के बेइज्जती करूंगा। अभी सामने से कोई बराबर गोलियां चला रहा होता है, लो भाई लौंडे की किस्मत खराब है सही में। मतलब मैं सोच रहा था नीड करूं नहीं करूं, उससे पहले ही आगे बढ़ रहा है फिर पीछे हो जा रहा है। क्या भाई, क्या पकड़ के बैठे हो, क्या बात है। आगे पीछे हुआ ही, खैर जो भी, उसको भी पेल दिया। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं बस भाई, मेरे को कोई दिख जाए कि लेट के काम कर कौन रहा है, मैं सीधे घुस जाता हूँ। अब इसको नॉक तो किया, लेकिन यहाँ पे भाई ने अपने भाई साहब को बुला लिया, अभी दबा दब एकदम गोलियां चला रहा है। मैंने कहा यार मुंह पे रोक के रिस्क नहीं लेना, हाई स्किल रिकॉर्ड जो बनाना है, तो मैं फेंकता हूँ पानी की बोतल पहले। ये लो गाइस, आज भाई लोग की किस्मत खराब है, आज ही नहीं हो पाएगा ना, आज तुम्हारे भाई का दिन है। पानी की बोतल में उड़ाता हूँ, ले बेटा दे रिवाइज देने आएगा ना। दोनों गाइस खत्म करके अब मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, और सोचो कौन है, वही बेशरम अभी चढ़ने वाला है मेरे ऊपर सीधे। और ये जाट तनिष्क के लिए मेरे पे सिर्फ एक ही चीज है, तुमसे ना हो पाएगा। मतलब भाई ने अपनी जिंदगी भर के तीनों रिकॉल यूज कर लिए पर कुछ उखाड़ नहीं पाया। अरे बेटा थू है तुम पे, क्या जाटों का नाम तुम गिरा रहे हो, ऐसे नाम मत रखा करो जब बस का नहीं हो, क्या ही बोल सकते हैं भाई इनके लिए। अब मैं रास्ते में एक आध और अंधे पेलता हूँ, उन्हें हटाओ। अब तुम इधर देखो, कर्रा वाला एक स्प्रे दिखाऊंगा तुम्हें, पहले तो फ्लेयर चलाता हूँ मैं, नीचे बंदा। अरे भाई भागने की क्या जरूरत थी, मैंने हक वक्त थोड़ी ना दिया, जो तुम्हें बदबू आ रही थी निकल गया वहां से। और इसका नाम पढ़ो, नाम पढ़ के तुम्हें याद आ गया, वही सांप है जो सो गया था एकदम आराम से, जंगलों से उठ के आके सीधे सो ही गया था, लेकिन इस बार भाई मच्छी के ऊपर सवार थे। क्या कुछ उखाड़ा इसने, पेड़ी डलवा ली इसने भाई, क्या ही करें अब। खैर अब रास्ते में मैं मुफ्त के बॉटो की बाइक ले लेता हूँ, क्योंकि फ्री है, केडी में बढ़ानी है मेरे को, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखो, और ये चला रहा था मौसी, किस पे भाई ये मौसी, मौसी मत चला करो, उससे घटिया बंदूक लगती है, स्नाइपर के नाम पे हग है, उससे अच्छी तो एमके है भाई, क्लोज रेंज में ले लो या लॉन्ग रेंज में। करने क्या था ये जिस पे स्नाइपिंग कर रहा था, मैंने कहा आओ जरा हम भी देख लें किसको कौन पेल रहा है। ये लो भाई रुला दिया दोनों को एकदम भर के, पूरा कुत्ता फाड़ डैमेज दिया है, दोनों खत्म। नौ के अभी मुझे पक्का नहीं पता कि तीसरा बंदा है कि नहीं है, होना तो चाहिए भाई, तीसरा होना चाहिए, तो आता हूँ इधर देखने के लिए। ये लो अटका लिया भाई इसने, क्या बात है। अरे तभी तो कहा थोड़ा हिला लिया करो भाई, बड़ा तो हो जाए कम से कम, आपको आप तो डाल के निकाल ही नहीं पा रहे छेद में से, ऐसे काम नहीं होगा। कुछ समझे दया, अब मैं अपना यहाँ पे एकदम शांतिपूर्वक निकल रहा होता हूँ। ये देखो किसी ने उंगली फिर की भाई, और ये मेरे को लग रहा है इनकी टीम का आखिरी बंदा है, जब मैं देखने जाता हूँ फिर ये शक्ल दिखाते रहेंगे, तो मैं पीछे आता हूँ। इधर मछली से रुका ही था कि उतरे में ये बंदा आप गंदी हरकत करता है। एंड ब्रो वेरी गुड नेम यू हैव, क्या है, चिली फ्लैक, तो उसे पिज्ज़ा में डाल के खा जाओ फिर, ठीक है। ओरिगैनो की कमी रहेगी वो मेरे से लेना, बहुत है मेरे पे। ये देख लो भाई पूरी टीम ऑल डेड हो गई, तुम्हें पता है इन बंदों की दिक्कत ये है, ये गोली मार के चिप जाएंगे फिर शक्ल पता नहीं क्यों नहीं दिखाते। अरे WM थोड़ी ना भाई मेरे पे, MG है। कह रहा हूँ आगे आके एक का दौर ऐसे ये सुअर जैसे बंदों को पकड़ता हूँ, इनको हटाओ, इनको क्या देखोगे भाई, तुम देख के क्या करोगे। अभी ये देखो एक बंदा गड्डी लेके आता है, अरे रास्ते पर तो तुमने गड्डी सही चलाई, मुझे देख के सलमान भाई क्यों मन गए, सीधे पेड़ में घुस दी भाई। अरे क्या भाई, क्या क्या कैसे चला रहा है समझ में नहीं आ रहा, हरी घास, एक तो ये जंगल से उठ के आया है, हरकतें भी इसकी जंगलियों वाली हैं बिल्कुल। अब मैंने सोचा अभी भी 5 बंदे हैं, तो भाई 34 किल का रिकॉर्ड बनाऊंगा, क्या खाक किल फीड पड़ो, ये H2SD गू गू गू, किसी ने सारे बंदे पेल दिए, दो बंदे और पेल दिए भाई।
ये लो भाई खत्म कर दिया इसको। अरे ये बड़ी दिक्कत देते हैं भाई, सारे किल मेरे ही कम करने को रहते हैं, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ से मैं निकलता हूँ अपनी मच्छी मुच्छी लेके कि ये देख लो पीछे से पता नहीं किसने पेला, और ये आखिरी बंदा, इससे बहुत कर्री वाली फाइट होगी मेरी, तुम देखना बस। अभी के लिए मैं इधर आता हूँ। और शुक्र है भाई पे यहाँ पे M24 ही थी, AWM होती तो भाई खत्म 30 किल का सपना। ये लो भाई ने कोशिश तो पूरी की पर बहुत गलत, वो तो रिफ्लेक्स है ना पूरे भाई अंदर। खैर गाइस अब बचा था आखिरी बंदा, और इसका सीन देखो, यहाँ पे मैं एक बार बवंडर में तब्दील होता हूँ, मच्छी मुच्छी सब उड़ा दी, बंदा नहीं मिला मेरे को, ठीक है अंदर बैठा था ये। अब मैं यहाँ पे दोबारा बवंडर बनता कि भाई ये पहले ही आ गया, मैंने कहा रिस्क के बिल्कुल नहीं लेना, किल 32 ही करने हैं। अरे बज में ही बहुत बढ़िया, ऐसा करो ना कवर के अंदर ही मार दो मेरे को। अब मैं चाहता तो यहाँ पे मैच खत्म कर सकता था क्लोज इन करके, मैंने जो हेल्थ भर ली थी मैं आराम से मिल देता, लेकिन मैं था मौज के मूड में और डैमेज को देता हूँ, पता नहीं कैसे ही बच गया वो कि यहाँ पे अब वो बंदा दोबारा बन जाता है बवंडर, तो मेरे को भागना पड़ा। और आधा घंटा गाइस होने को आया था कि अपने लोग का बवंडर कॉम्पिटिशन नहीं चल रहा, मैं बन रहा हूँ फिर वो बन जा रहा है, मेरा ये आखिरी था, मेरा खत्म हो गया, वो बंदा भी बना था, मैंने कहा भाई खत्म टाइम, अब इसको पे लो। और फाइनली कंप्लीट हो जाता अपना 32 किल चिकन भाई। मैं देखो चाहता तो बवंडर दोनों एक साथ होकर टकरा जाते, पर मैं मजे में था नहीं भाई, मैंने कहा यार चिकन चाहिए, तो फिलहाल के लिए नहीं था, मिलते हैं कल।